नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप आए शोभा रसोई में। शोभा रसोई में आपका खूब खूब स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ बीटरोट कटलेट। बीटरोट कटलेट जो हेल्दी भी होती है, खाने में टेस्टी भी होती है और देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमने एक बड़े बीटरोट और दो छोटे छोटे बीटरोट लिए हैं, थोड़े 4-5 कली लहसुन की ग्रेट किए हुए, आधा इंची टुकड़ा अदरक ग्रेट किए हुए, 8-10 हरी मिर्च पीसे हुए, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही लेंगे क्रश किए हुए, आधा कटोरी मूंगफली भुनी हुई जो दरदरा पीसी हुई है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, एक प्याज बारीक कटी हुई, ब्रेड क्रम्स लेंगे हम, थोड़ा सा धनिया पत्ती और एक चम्मच चाट मसाला, 1/4 गरम मसाला लेंगे हम, थोड़ा सा भुनी हुई जीरा लेंगे। सबसे पहले हम ये बीटरूट को क्रश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक, थोड़ा सा सौते कर लेंगे, लहसुन नहीं डाल रहे आपको, अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ, इसमें एक अलग सा टेस्ट आता है। इसके बाद हम डाल देंगे एक बीटरूट, सेक लेंगे। फ्रेंड, आप बॉईल भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि बॉईल करने से क्या उसका इसमें अलग सा आता है, और आप थोड़ा सा तेल में अगर इसको आप सौते कर लोगे तो उसका टेस्ट अलग आता है और कलग ही आएगा। इसमें हम ढक्कन लगा दिए, थोड़ी देर इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसका एक घोल बना लेंगे। ये 3 बड़े चम्मच मैदा है, आप कॉर्नफ्लोर चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे, थोड़ा सा ड्राई पुदीना डाल देंगे हम, थोड़ी सी काली मिर्च, 1/4 चाट मसाला हम डाल दिए चम्मच, थोड़ा सा नमक, इस तरह के हम एक पतला घोल बना लेंगे, ज्यादा गाढ़े नहीं रखेंगे हम इसको। इसको अब हम अलग से रख देंगे। ये हमारा बीटरूट पक गया, अब इसमें हम डाल देंगे आलू, हम 4 बड़े आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे उसको डाल देंगे। इसे हमें ज़्यादा सेकना नहीं है फ्रेंड, खाली इसका बॉईल का जो स्मेल है वो हट जाए तो हम इसको नीचे उतार लेंगे। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, फिर हम इसे नीचे उतार लेंगे। ठंडा होने के लिए हम ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में। अब बाकी का सब सामान हम इसमें ऐड कर देंगे, जो मूंगफली था हमारे वो इसमें ऐड कर देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, एक काला नमक है हमारा 1 चम्मच डाल देंगे, दो चम्मच चाट मसाला है वो डाल देंगे,
थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, ब्रेड क्रम्स हम डाल देंगे इसमें, एक चम्मच लाल मिर्च, अच्छा है तो आप कम तीखा खाए तो ना भी डाल सकते क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दिया इसमें, और धनिया पत्ते, प्याज जो कटा हुआ था हमारा एक छोटा, ये कच्चा डाल देंगे, इसका अलग सा टेस्ट आते हैं। हम चाहे इसको हल्का फ्राई भी कर सकते थे लेकिन मैंने कच्चा ही डाला। बाकी नमक स्वाद अनुसार हम डालेंगे, कमती डालेंगे, चाट मसाला वगैरह में भी नमक था, काला नमक डाला है हमने। अब इसको हम मैश कर लेंगे अच्छा से, थोड़ा सा हल्का सा काला नमक हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हाथ में हम तेल लगा लेंगे थोड़ा, इसका हम शेप दे देंगे, आप अपने इच्छा अनुसार शेप दे दीजिएगा, मैं हार्ट शेप दूंगी। इस तरह से हम सब बना लेंगे, ऐसे हम बना लेंगे बस सारे हम। ये हमने बना लिया ऐसे, देखिए इसको आप हम कोटिंग करेंगे ऐसे हल्के हाथों से, थोड़ा सा वो लगाएंगे हम मैदा के जो घोल बनाए थे हमने, ज़्यादा नहीं लगाएंगे ताकि ब्रेड क्रम्स हम इसमें अच्छा से लग जाए। ये हमारा ब्रेड क्रम्स, इसे हम हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि हम ब्रेड क्रम्स अच्छा से इसमें चिपक जाए। बना के इसे हमने फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखना है, ये हमने रख दिया था, हम निकाल लिए, अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में हम तेल ले लिए, ज़्यादा तेल नहीं लेंगे, हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे कटलेट। पहले हाई फ्लेम में रहेगा, फिर बाद में हम इसे मीडियम कर देंगे। एक साइड में हो गया, हम इसे पलट देंगे धीरे से। चलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब इसे हम देखिए इस तरह से कितने सुंदर गोल्डन कलर के हो गए, हम निकाल लिए। अब इसे हम प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड हमारे एक कटलेट सर्व करने के लिए रेडी है, देखिए कितने सुंदर लग रहे, जितने सुंदर है उतने टेस्टी है। आप बनाइए खाइए, और कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ। फ्रेंड आप मेरे रेसिपी को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मेरे ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए फ्रेंड बाहर से जितने क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, खाइएगा ज़रूर।